सेशन अबाउट स्विच स्टेटमेंट। स्विच के केस में प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था बेसिक प्रॉपर्टी और बेसिक सिंटैक्स ऑफ द स्विच एंड कंट्रोल फ्लो और एग्जीक्यूशन फ्लो ऑफ द स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट अगेन टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ, हेडर सेशन और बॉडी सेशन। इस सेशन में डिस्कस करेंगे वन बाय वन ऑल बेसिक प्रॉपर्टी और रूल्स ऑफ द मेकिंग स्विच स्टेटमेंट्स वन बाय वन। फर्स्ट वन, रीड दिस ऑल पॉइंट्स केयरफुली, then we are discussing one by one. First of one, first statement of first rule, switch argument must be character or integer types. What I mean by switch argument means that place, in that place and switch ke case mein argument kya pass kar sakte hain, either integer types of argument or character types of argument. Suppose that we are supplying here 15 20, like that 15 is a valid integer number, therefore it is valid switch statement. Next one, but suppose that same case mein supply kiya like a 15.0, 15.0 ke case mein value consider hoga a double type or 15.0f consider hoga a float type, then is float or double types ke argument supply karna possible, compile time error. Isliye valid case kya honge, either integer number or some character like a or like a plus, like that. तो इस प्लेस पर कभी भी स्ट्रिंग पास करना पॉसिबल नहीं, मीन्स अगर सेम सिंबल डबल कोट्स के फॉर्म में सप्लाई करें देन कंसीडर होगा एज स्ट्रिंग, इट इज इनवैलिड। मीन्स स्विच आर्गुमेंट है टू टाइप्स के वैल्यू अलाउड होंगे, आइदर इंटीजर और कैरेक्टर्स। सेकेंड पॉइंट, फ्लोट और डबल टाइप आर्गुमेंट इज नॉट अलाउड, मीन डेसिमल टाइप्स के वैल्यू सप्लाई करना पॉसिबल, ऑलरेडी डिस्कस किया है लाइक एट 2.0 2.5, इट इज इनवैलिड स्विच स्टेटमेंट, कंपाइल टाइम एरर। थर्ड पॉइंट, स्विच आर्गुमेंट मे बी वेरिएबल्स वैल्यूज एक्सप्रेशंस फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट्स, मीन्स इस प्लेस पर कितने केसेस सप्लाई करना पॉसिबल। फर्स्ट वन, स्विच आर्गुमेंट मे बी वेरिएबल समथिंग वेरिएबल एक्स, एज्यूम कर लो इस केस में एक्स क्या है, एक्स इज एनी वेरिएबल, एनी कैरेक्टर और इंटीजर टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, इस वेरिएबल भी पास करना पॉसिबल और डायरेक्टली वैल्यूज भी पास करना पॉसिबल, लाइक 10, 10 इज अ वैल्यू, इंटीजर वैल्यू और इंटीजर लिटरल। थर्ड पॉसिबल केस, एक्सप्रेशंस, इस प्लेस पर कोई भी एक्सप्रेशन भी सप्लाई करना पॉसिबल, लाइक एक्स प्लस वाई, इट इज ऑल्सो वैलिड, और समथिंग एक्स ग्रेटर देन वाई ऑल्सो वैलिड, मीन्स स्विच आर्गुमेंट में एक्सप्रेशंस भी सप्लाई करना पॉसिबल, सेम एज फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट्स इज ऑल्सो अलाउड, लाइक अ इफ स्टेटमेंट, स्विच के अंदर किसी भी टाइप का नॉन वॉइड फंक्शन कॉल कराना पॉसिबल हुआ, लाइक अ प्रिंट एफ सम मैसेज लाइक दैट, इट इज वैलिड स्विच स्टेटमेंट, बिकॉज प्रिंट एफ के केस में रिटर्न क्या करेगा, नंबर ऑफ डिस्प्लेड सिंबल्स, इसलिए फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट्स भी कैसे होंगे, ऑल्सो वैलिड केस, लाइक दैट, दीज आर ऑल आर वैलिड केस। नेक्स्ट रूल, बॉडी ऑफ स्विच इज ऑप्शनल, मीन्स स्विच के केसेस में बॉडी पार्ट में सारे के सारे स्टेटमेंट वैलिड है, मीन्स केस डिफॉल्ट ऑल आर ऑप्शनल। फॉर एग्जांपल्स, सपोज दैट अगर स्विच स्टेटमेंट के अंदर अगर कोई भी बॉडी पार्ट प्रोवाइड नहीं करना है, कोई भी सेशन प्रोवाइड नहीं करना है, सिंपली मैंने राइट किया ओनली ओपनिंग और क्लोजिंग, इट इज वैलिड डिक्लेरेशन ऑफ स्विच स्टेटमेंट। सेम इस टाइप के कंडीशंस में अगर स्विच के अंदर स्विच को टर्मिनेट कैसे कर सकते हैं, आइदर कर्ली ब्रैकेट और सेमी कोलन, इट इज ऑल्सो वैलिड स्विच डिक्लेरेशंस, लेकिन स्विच के अंदर आर्गुमेंट पास करना कंपलसरी है। नेक्स्ट वन, सेम एज अगर प्रोवाइड किया सम डिक्लेरेशंस लाइक सम केस वन कॉलन एंड सम स्टेटमेंट एस वन, इट इज ऑल्सो वैलिड स्विच डिक्लेरेशंस, बिकॉज इस केस में स्विच का बॉडी टर्मिनेट किससे हुआ, फर्स्ट सेमी कॉलन। नेक्स्ट पॉइंट, बॉडी कैन बी टर्मिनेटेड बाई सेमी कॉलन और ब्रेसिस, ऑलरेडी जस्ट डिस्कस किया है स्विच का बॉडी टर्मिनेट किससे करेंगे, आइदर बाई यूजिंग सेमी कॉलन और बाई यूजिंग कर्ली ब्रेसिस और बाई यूजिंग कर्ली ब्रेसिस। नेक्स्ट वन, स्विच आर्गुमेंट विल बी कंपेयर टिल द मैचिंग केस नॉट फाउंड, इस स्विच के केस में अगर आपने कोई भी आर्गुमेंट वैल्यू प्रोवाइड की, आर्गुमेंट वैल्यू कब तक मैच होगा, जब तक कोई भी केस परफेक्टली मैच नहीं हो जाता, जैसे सपोज दैट अगर एन का वैल्यू फर्स्ट केस से ही मैच हो जाता है,
उस केस में नेक्स्ट केस मैच करने की नीड नहीं होगी, मीन्स रिमेनिंग सारे केस तब तक एग्जीक्यूट होंगे जब तक ब्रेक स्टेटमेंट फाउंड हो जाते। दिस इज द बेसिक बिहेवियर ऑफ द स्विच स्टेटमेंट्स। सबसे पहले एन का वैल्यू मैच किससे हुआ, केस लेवल 10 से, अगर 10 से मैच नहीं हो रहा देन लेवल 20 देन लेवल 30 एंड सो ऑन। इनसे कब तक मैच करेंगे, जब तक मैचिंग आर्गुमेंट फाउंड नहीं होता। जैसे कोई आर्गुमेंट मैच होता उसके बाद स्विच का या लेवल का बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा, लेकिन इस केस में केस मैच नहीं होगा। मीन्स केस ओनली कितनी बार मैच करें, मैक्सिमम वन टाइम्स। वन मोर थिंग्स, बॉडी ऑफ द केस इज ऑप्शनल। जैसे फर्स्ट केस 10 के अंदर बॉडी पार्ट में पार्ट किया टू स्टेटमेंट्स एस वन और ब्रेक स्टेटमेंट, लेकिन केस 20 के अंदर कोई भी स्टेटमेंट प्रोवाइड नहीं किया। मीन्स इस केस में केस 20 के केस में बॉडी पार्ट कैसे है, कंप्लीटली एम्प्टी बॉडी। इन दैट केस एन का वैल्यू चेक केस 20 से मैच हो या फिर केस 30 से, दोनों ही केस में चांस किसको मिलेगा, एस टू देन ब्रेक। बिकॉज सपोज दैट अगर एन का वैल्यू 20 है, 20 देन ये मैच किस हो रहा है, केस 20 से। जैसे ही कोई केस मैच होता है उसके बाद रिमेनिंग केस तब तक एग्जीक्यूट होंगे जब तक ब्रेक स्टेटमेंट फाउंड नहीं होता है। इस 20 के बाद कहीं ब्रेक नहीं देन डायरेक्टली चांस किसको मिलेगा, केस 30 देन एस टू, लाइक दैट। नेक्स्ट वन, एग्जीक्यूशन ऑफ केस बॉडी विल बी स्टार्ट्स फ्रॉम मैचिंग केस ऑनवर्ड्स टू द एंड ऑफ स्विच बॉडी और टिल द ब्रेक स्टेटमेंट। मीन्स किसी भी स्विच के बॉडी पार्ट का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा, फ्रॉम मैचिंग केस में। कोई भी केस मैच होने के बाद बाई डिफॉल्ट बॉडी सेशन कब तक एग्जीक्यूट होगा, टिल द एंड ऑफ स्विच बॉडी और टिल द ब्रेक स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट अगर एन का वैल्यू सप्लाई किया है, एन इज इक्वल टू 10, अगर n का वैल्यू 10 है तो नहीं मैच किस हो रहा है, फर्स्ट केस से n का वैल्यू केस 10 से मैच हो जाएगा। इस केस में जस्ट चांस किसको मिलेगा, s1 की जस्ट बात क्या, ब्रेक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कंट्रोल कहाँ सेंड होगा, डायरेक्टली आउटसाइड बॉडी ऑफ स्विच स्टेटमेंट, दिस इज एग्जिट सेशन। बट सपोज दैट अगर मैंने ब्रेक स्टेटमेंट प्रोवाइड नहीं किया है विदाउट ब्रेक, इस केस में केस 10 मैच होने के बाद सबसे पहले प्रिंट किया वो S1 के जस्ट बाद कंट्रोल कहाँ सेंड हुआ, इनसाइड बॉडी ऑफ नेक्स्ट केस, मीन्स केस 20 एम्प्टी, देन केस 30 देन केस, मीन्स इस केस में चांस किसको मिलेगा, S2 का ब्रेक स्टेटमेंट फाउंड हुआ, इसलिए ब्रेक के अकॉर्डिंग कंट्रोल सेंड हुआ आउटसाइड बॉडी ऑफ स्विच। दिस इज द करेंट बिहेवियर ऑफ द स्विच स्टेटमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रेक इज यूज टू टर्मिनेट एग्जीक्यूशन ऑफ स्विच और लूप्स। ब्रेक स्टेटमेंट सी लैंग्वेज के अंदर जनरली टू प्लेसेस पर यूज करना पॉसिबल है, आइदर इनसाइड बॉडी ऑफ स्विच और इनसाइड बॉडी ऑफ लूप्स। जनरली ब्रेक का यूज क्या है, टर्मिनेटिंग एग्जीक्यूशन ऑफ स्विच और एग्जीक्यूशन ऑफ लूप्स। अगर किसी भी स्विच स्टेटमेंट का या लूपिंग स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन टर्मिनेट करना है अनकंडीशनल, देन इस केस में यूज करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट, विदाउट स्विच स्टेटमेंट विदाउट लूपिंग स्टेटमेंट डायरेक्टली ब्रेक स्टेटमेंट प्रोवाइड करना पॉसिबल। सपोज दैट इफ सम कंडीशन इनसाइड बॉडी ऑफ इफ सम स्टेटमेंट्स आर S1 देन ब्रेक स्टेटमेंट देन S2। सपोज दैट अगर इस केस में कंडीशन ट्रू है देन चांस किसको मिलेगा, S1 देन ब्रेक। आपके अकॉर्डिंग कंट्रोल कहाँ सेंड होगा, इस S1 एग्जीक्यूट होने के जस्ट बाद कंट्रोल कहाँ सेंड होगा, आउटसाइड बॉडी ऑफ इफ इस विदाउट एग्जीक्यूटिंग S2। लेकिन देखा जाए सिंटेक्टिकली स्टेटमेंट कैसा है, इनवैलिड, बिकॉज ब्रेक स्टेटमेंट प्लेस किया इनसाइड इफ और इफ ना ही स्विच के अंदर राइट किया ना ही लूपिंग स्टेटमेंट के अंदर प्रोवाइड किया। मीन्स ब्रेक कहाँ फाउंड हो रहा है, आउटसाइड स्विच और आउटसाइड लूप से, इसलिए स्टेटमेंट कैसा है, इनवैलिड कंपाइल टाइम एरर्स। नेक्स्ट पॉइंट, केस लेवल शुड बी कैरेक्टर और इंटीजर कॉन्स्टेंट। जब भी केस में लेवल्स यूज करें, लेवल्स या तो इंटीजर टाइप के कॉन्स्टेंट होना चाहिए या फिर कैरेक्टर टाइप लाइक दैट, सप्लाइंग सम लेवल एज ए और मे बी समथिंग कैरेक्टर प्लस लाइक और 30 एज इंटीजर्स। ओनली टू टाइप के कंटेंट्स यूज करना पॉसिबल होगा, कैरेक्टर्स इस इनसाइड सिंगल कोट और इंटीजर नंबर्स। प्लस ये वैल्यूज भी किस फॉर्म में आएंगे, ओनली इन द फॉर्म ऑफ एज अ कॉन्स्टेंट्स। मीन्स लेवल्स के प्लेसेस पर कभी भी डायरेक्टली वेरिएबल्स यूज करना पॉसिबल नहीं, वी कैन नॉट यूज
वेरिएबल्स और वेरिएबल्स आर नॉट अलाउड. सपोज दैट वी आर डिक्लेयरिंग सम वेरिएबल्स लाइक दैट इंटीजर एक्स इक्वल्स टू 10, वाई इक्वल्स टू 20 समथिंग. इस प्लेस पर सप्लाई किया केस एक्स केस वाई, इट इज इनवैलिड. इस वेरिएबल्स आर नॉट अलाउड इन इन प्लेस ऑफ केस लेबल्स. कंपाइल टाइम एरर, ओनली कॉन्स्टेंट्स डायरेक्टली वैल्यूज 10 और 20 लाइक दैट. नेक्स्ट पॉइंट, केस लेबल कैन नॉट बी वेरिएबल और वेरिएबल एक्सप्रेशन और स्ट्रिंग. ऑलरेडी डिस्कस किया लेबल्स के प्लेसेस पर ना ही कभी भी वेरिएबल्स यूज करना पॉसिबल. प्लस लेबल्स का टाइप क्या होना चाहिए, आइदर कैरेक्टर और इंटीजर्स, प्लस इन द फॉर्म ऑफ वैल्यूज नॉट अ वेरिएबल्स. वन मोर थिंग्स, प्रीवियस केस में डिस्कस किया था, इस प्लेस पर लेबल्स के प्लेस पर अगेन डेसिमल नंबर यूज करना पॉसिबल नहीं. और मैंने सप्लाई किया 10.0 अगेन इनवैलिड केस. सेम एज अगर मैं सप्लाई करता हूँ लाइक 10 इनसाइड डबल कोट अगेन इनवैलिड लेबल. कंपाइल टाइम एरर. नेक्स्ट पॉइंट, डुप्लीकेट केस इज नॉट अलाउड. डुप्लीकेट केस मीन्स सपोज फर्स्ट केस में प्रोवाइड किया 10, अगेन प्रोवाइड किया समथिंग 10. सेम मीन्स सेम लेवल के थ्रू कितने केस फाउंड हो रहे हैं, 2 केसेस. इस टाइप के स्टेटमेंट अलाउ नहीं होंगे, क्या होगा, कंपाइल टाइम एरर, डुप्लीकेट केस एरर. डुप्लीकेट केस अभी मैंने डायरेक्टली प्रोवाइड किया एग्जैक्टली सेम लेवल्स. इस मोस्ट ऑफ केसेस में आपको डुप्लीकेट केस एरर्स इनडायरेक्टली फाउंड होंगे लाइक दैट. फर्स्ट केस मैंने प्रोवाइड किया केस ए, सेकेंड केस में प्रोवाइड किया समथिंग डायरेक्टली 65 विदाउट सिंगल कोट, डायरेक्टली 65. मीन्स ये सिंगल कोट में सप्लाई किया, ए मीन्स क्या कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स के रिस्पेक्ट में रिप्लेस किया वो कंसिडर हुआ इट्स आस की वैल्यू. और सेकेंड केस में क्या पास किया 65. मीन्स दोनों के लॉजिकल मीनिंग कैसे एग्जैक्टली सेम अगेन कंपाइल टाइम एरर्स. सेम एज वन मोर केस, डुप्लीकेट केस एरर. अगर मैंने इस प्लेस पर पास किया समथिंग 5, केस 5, सेकेंड केस में पास किया समथिंग केस 10 माइनस 5 अगेन इनवैलिड. क्यों, इस केस में जब सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगा उसका भी रिजल्ट क्या आएगा, ऑल्सो 5. देयरफॉर अगेन डुप्लीकेट केस एरर, कंपाइल टाइम एरर. नेक्स्ट वन, डिफॉल्ट केस विल बी एग्जीक्यूटेड इफ नन ऑफ केस मैचिंग. इसे जनरली स्विच का नॉर्मल बिहेवियर क्या, मीन सारे के सारे केस 1x1 मैच होंगे. इस केस में प्रोवाइड कर रहा हूँ केस 1, केस 2 विदाउट एनी बॉडी और विदाउट एनी स्टेटमेंट, केस 3. पॉइंट इज डिफॉल्ट केस विल बी एग्जीक्यूटेड इफ नन ऑफ केस इज मैचिंग. सपोज दैट इस केस में वेरिएबल n के प्लेस पर n का वैल्यू सप्लाई किया एज अ n इक्वल्स टू 2. देन इस केस में n का वैल्यू केस 2 से मैच होगा, देन इसके बाद कहीं ब्रेक स्टेटमेंट फाउंड नहीं हो रहा, देन केस 3 एज 2 देन ब्रेक आउटसाइड स्विच. बट सपोज दैट इफ वैल्यू ऑफ n इज 5, पर वेरिएबल n का वैल्यू 5 है, इस केस में किसी भी केस से मैच नहीं होगा. सबसे पहले n मैच होगा केस 1, केस 2, केस 3. तो कोई भी केस में मैचिंग केस फाउंड नहीं हो रहा, देन चांस किसको मिलेगा, डिफॉल्ट ब्लॉक. डिफॉल्ट इज सिमिलर टू else स्टेटमेंट इन इफ. नेक्स्ट वन, डिफॉल्ट केस कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इनसाइड बॉडी ऑफ स्विच और स्विच बॉडी. मीन्स लॉजिकली डिफॉल्ट ब्लॉक ऑलवेज डिफॉल्ट स्टेटमेंट प्रोवाइड करेंगे एज अ लास्ट स्टेटमेंट और एज अ लास्ट केस. लेकिन डिफॉल्ट केस किसी भी प्लेस पर प्रोवाइड करना पॉसिबल, नॉट ओनली एंड ऑफ द स्विच बॉडी. सपोज दैट इस प्लेस पर प्रोवाइड किया अगेन डिफॉल्ट देन समथिंग केस 1, इट इज ऑल्सो वैलिड. अगर एन का वैल्यू किसी भी केस से मैच नहीं हो रहा था, इस केस में चांस किसको मिलेगा, डिफॉल्ट मीन्स एस 1. इसके बाद ब्रेक है, ब्रेक से कंट्रोल कॉन्सेंट होगा आउटसाइड. बट सपोज दैट अगर एन का वैल्यू 5 और ब्रेक स्टेटमेंट यूज नहीं किया, देन अगेन डिफॉल्ट केस मैच होगा मैचिंग के जस्ट बाद. सारे केस तब तक एग्जीक्यूट होंगे जब तक या तो ब्रेक स्टेटमेंट नहीं मिला या फिर एंड ऑफ बॉडी. तो इस केस में चांस किसको मिलेगा, एस 1 देन एस 2. नेक्स्ट केस, केस बॉडी इज ऑल्सो ऑप्शनल. जस्ट प्रीवियस केस में ऑलरेडी डिस्कस किया था, स्विच के केस में बॉडी सेशन कैसा है, ऑप्शनल नॉट अ कंपलसरी लाइक दैट.
मीन्स इस केस में कोई भी स्टेटमेंट प्रोवाइड नहीं किया, लेकिन सिंटेक्स फॉलो करना कंपलसरी है, आदर टर्मिनेटेड बाई कर्ली ब्रेसिस और टर्मिनेटेड बाई सेमी कॉलन। नेक्स्ट वन, केस कैन नॉट बी प्लेस्ड आउटसाइड स्विच बॉडी, मीन्स विदाउट स्विच डायरेक्टली, जैसे इस केस में प्रोवाइड किया केस टू केस थ्री, लेकिन स्विच के बॉडी पार्ट के बाहर राइट किया मैंने समथिंग केस फोर, केस फोर विद सम स्टेटमेंट्स इट इज इनवैलिड, केस आउटसाइड स्विच कंपाइल टाइम एरर। नेक्स्ट पॉइंट, स्टेटमेंट विच इज प्लेस्ड डायरेक्टली इनसाइड बॉडी ऑफ स्विच एंड आउटसाइड केस नेवर एग्जीक्यूटेड, व्हाट इज मीन बाय दिस पॉइंट, इस प्रीवियस स्टेटमेंट राइट करन लाइक अ केस वन, देन केस वन के प्लेस पर क्या था डिफॉल्ट ब्लॉक, देन समथिंग ब्रेक स्टेटमेंट। सेकेंड नेक्स्ट पॉइंट को रीड करेंगे, स्टेटमेंट विच इज प्लेस्ड आउटसाइड डायरेक्टली स्विच इनसाइड बॉडी, सॉरी स्टेटमेंट विच इज प्लेस्ड डायरेक्टली इनसाइड बॉडी एंड आउटसाइड केस नेवर एग्जीक्यूट, सपोज दैट मैंने कोई स्टेटमेंट प्रोवाइड किया इनसाइड बॉडी ऑफ स्विच लाइक प्रिंट एप सम स्टेटमेंट एज एस जीरो, मीन्स अगर इस प्रिंट एफ स्टेटमेंट के रिगार्डिंग में चेक करेंगे तो मीन्स प्रिंट एफ स्टेटमेंट फाउंड हो रहा है इन साइड बॉडी ऑफ स्विच बट आउटसाइड केस, इस केस में प्रिंट एफ स्टेटमेंट किसी भी केस से रिलेटेड है क्या, नहीं, इस केस में एन का वैल्यू किसी भी लेवल से मैच हो या ना हो, मीन्स या तो केस वन का बॉडी एग्जीक्यूट है केस टू केस थ्री और डिफॉल्ट, लेकिन इस केस में सिंटेक्टिकली स्टेटमेंट वैलिड है लेकिन लॉजिकली इस स्टेटमेंट को कभी भी एग्जीक्यूशन प्रोवाइड नहीं होगा, या स्टेटमेंट कैसा अनरीचेबल स्टेटमेंट विच इज नेवर बिकम पार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन, मीन्स विच इज इग्नोर्ड बाई कंट्रोल और एग्जीक्यूशन कंट्रोल लाइक दैट। ब्रेक इज ऑप्शनल स्टेटमेंट, ऑलरेडी डिस्कस किया था, अगर ब्रेक स्टेटमेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे तो उस केस में केस मैच होने के बाद रिमेनिंग स्टेटमेंट तब तक एग्जीक्यूट होंगे जब तक कंप्लीटली बॉडी सेशन एग्जीक्यूट नहीं हो जाए और रिमेनिंग केस लिए।